नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अभिनेता बोधी सत्व शर्मा, जो आज वडोदरा के मेहमान बने हैं और 7th छात्र सांसद कॉन्क्लेव है उसमें शामिल होने वाले हैं। तो बोधी, आपका सबसे पहले तो वडोदरा में और बीआरजी न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं और साथ ही एक एक्टर भी है, तो दोनों ही साथ में मैनेज करना आपके लिए कैसा रहता है, कितना मुश्किल रहता है या फिर कितना आसान रहता है? जब शुरू किया था तो मुश्किल था, क्योंकि मैं स्कूल में था, छोटा भी था, पर अब इतने साल हो गए कि अभी हल्की हल्की आदत हो गई है। एक हमेशा मेरा एक लक रहा है कि मार्क्स कभी ख़राब आए नहीं, पढ़ाई करता रहता था मैं। कभी सेट पे भी अगर हूँ तो अपनी किताब साथ रखता था, या फिर परीक्षा से पहले सब कुछ बंद करके एग्ज़ाम पे फोकस करना। तो और मेरे स्कूल ने बहुत सहायता करी मेरी जब मैं स्कूल में था। मैं तब से कर रहा हूँ, मॉडर्न स्कूल बाराकम्बा, तो वो मुझे मटेरियल प्रोवाइड करने में, प्रमोट करने में उन्होंने बहुत मदद की मुझे। और अभी मैं इग्नू से कर रहा हूँ तो अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं है, परीक्षा देने पड़ते हैं, असाइनमेंट्स देने पड़ते हैं, तो वो अब क्योंकि मुझे इतना लगाव है मेरे कला से, तो एक तो एक सैक्रिफाइस है जो मैं करने को तैयार हूँ, तो अब तो आदत हो गई है। पहले मुश्किल था, अब आदत। ये जो पिछले कुछ वक्त में वेब सीरीज़, वेब शोज़ जो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से हर किसी को मौका मिल रहा है अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो आने वाले वक्त में भी वेब शोज़ तो बन ही रहे हैं, फिल्म्स भी बिल्कुल OTT पर आने लगी है, तो आपके हिसाब से ये कैसा प्लेटफॉर्म है, फिल्मों के अलावा ये कितना डिफरेंट है और उभरते हुए कलाकारों के लिए खासकर ये कैसा रहेगा? प्लेटफॉर्म अलग तो बहुत है, क्योंकि एक कहानी को आप बहुत विस्तार से दिखा सकते हैं। आपके पास 8-9 एपिसोड और मतलब तकरीबन 8-9 घंटे ही आपके पास होते हैं कहानी, एक किरदार या मल्टीपल किरदार की कहानी बताने में। एक जॉब अपॉर्चुनिटी तो अगर हम सिंपली बात करें तो वो क्रिएट करता ही है, बट एक बिकॉज एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बढ़ता है, जो एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज बेहतर काम बनाने में हमें हम सफल होते हैं, जो एक्चुअली थोड़ा मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से, पर एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि इतनी जगह। अब जब मैंने पाताल लोक किया था, उससे पहले मैंने कोई काम नहीं किया था, और जब मैंने ऑडिशन दिया था मैं उसी पर्सपेक्टिव से गया था कि मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं है पहले, पर उनको कुछ दिखा मुझ में, कुछ तो शायद मैंने सही किया होगा जिसके वजह से उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। इवन दो मैं उनके मुझे देखने के लिए कितने ही लोग आएंगे, बात तो सही है, पर हाँ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा है, काम बेहतर होगा, लोगों को मौका मिलेगा, और एक कंटेंट पे फोकस जो बन गया है, लोग आजकल बेहतर कहानियाँ मांगने लगे हैं, बेहतर परफॉर्मेंसेज मांगने लगे हैं। जस्ट बिकॉज आप डिशूम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सब खुश है, आपको कुछ बताना पड़ेगा, ऑडियंस को कुछ महसूस कराना पड़ेगा, तो उसकी जो ज़रूरत पैदा हुई है मेरे हिसाब से वो मतलब कब हो गया, तो बहुत ही स्विफ्ट चेंज था बट नेसेसरी चेंज था। जो कंटेंट OTT पर आने लगा है उसकी वजह से रोल में वर्सिटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और ख़ासकर अभी वायलेंट और न्यूडिटी ज़्यादा दिखाया जाता है, तो एज एन एक्टर जब ऐसा रोल परफॉर्म करने की बात आती है तो आपके मानस पर उसका कैसा असर होता है? अब वायलेंट कैरेक्टर, अब अगेन वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जो चारों तरफ है, अब वो बात तो ऑफकोर्स कि आप कितना उससे इन्फ्लुएंस होते हैं वो एक अलग बात है, पर वायलेंट कैरेक्टर्स प्ले करने में मुश्किल होता है क्योंकि मैं वैसे बहुत वायलेंट इंसान नहीं हूँ, मतलब ऐसे गुस्से का भी कोई इशू है नहीं, पर वो चैलेंज हो जाता है एक तरह से कि जिस चीज़ के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे कंफर्ट जोन से वो बाहर है, तो एक कलाकार होते हुए मुझे वो चीज़ें करने में खुशी होती है जो चीज़ें आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसी महसूस करता है कि यही ऐसे ही किरदार निभा के शायद मैं अपने कला को आगे कहीं बढ़ा पाऊँगा। अब ऑफकोर्स वो जो फिल्म बना रहा है वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करें, पर मेरा काम तो उस कैरेक्टर को निभाना है और जितनी सच्चाई से निभा सकता हूँ उतनी सच्चाई से निभाना है, तो मुझे तो मज़ा आता है, पर ऑफकोर्स अब बहुत सारी अलग चीज़ें भी होती है, क्या म्यूज़िक है, क्या एडिटिंग है, डायरेक्शन किस तरह से ले गए हैं आप, कैसे एंगल्स पकड़े हैं आपने, जिसकी वजह से जो चीज़ आपने सोची थी वो बहुत बार पलट जाती है, तो हाँ आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो हाथों हाथ पकड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब
सोसाइटी में कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो टेल डिफिकल्ट स्टोरीज। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही कुछ लोग उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG News। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG News आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG News की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।